छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पशु बाघ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बस्तर के जंगलों में बाघों की तादाद में भारी कमी आ गई है। एक दशक में लगभग 60% बाघों की संख्या घट रही है। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक बाघों की तादाद में 33% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं अगर बात करें 2014 की तो उसमें भी प्रदेश के अभ्यारण्यों में कुल 46 बाघ थे, लेकिन 2018 की गणना में केवल 19 बाघ रह गए। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पशु बाघ के अस्तित्व पर खतरा है, क्योंकि नक्सल, अगर हम कहें तो नक्सली जंगलों में मुस्तैद रहते हैं, और ऐसे में जो है वन विभाग या सुरक्षा बल जो हैं वहां पर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, और इसी दौरान जो शिकारी हैं वो भी बेखौफ घूमते हैं। और हमारे संवाददाता मोहन तिवारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मोहन, जिस तरह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में बाघों का जो अस्तित्व है वो खतरे में है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि नक्सली इलाका है और जो महकमा जंगलात है, जंगल का जो महकमा है और सुरक्षा बल जो है वो वहाँ पर सही से काम नहीं कर पाते होंगे, जाहिर सी बात है, और शिकारी बेखौफ जो हैं घूमते होंगे। क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 42% वन है, और उसके बावजूद जो है यहाँ पर शेरों की संख्या लगातार कम हो रही है। 2014 के अगर हम आंकड़ों से तुलना करें तो 60% जो शेर हैं उनकी संख्या कम हुई है। जो आंकड़े हैं वो बस्तर में लगातार घट रहे हैं, और इसकी मुख्य वजह यही है कि नक्सल वहाँ पर जब सक्रिय हुए हैं तो शेर को बचा पाना मुश्किल हो रहा है। खास बात यह है कि बस्तर इलाके में ही 27 शेर की अलग अलग खालें बरामद हुई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो शिकारी हैं वहां पर सक्रिय हैं, और इस वजह से शेरों की संख्या लगातार कम हो रही है। तो केंद्रीय वन विभाग ने भी इस पर चिंता जताई है और इस बात की हिदायत दी है, निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे प्रयास करे जिससे शेरों की संख्या को बढ़ाया जा सके। हालांकि एक अलग से रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है, उसकी संरचना तैयार हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लगातार शेरों की संख्या का कम होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की ओर से या विभाग की ओर से भी हो रही है, जिससे कि शेरों की संख्या यहाँ बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। बाकी जगहों पर लगातार ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर शेर की संख्या बढ़ती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वन अधिक होने के बावजूद संख्या घट रही है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। जी जी मोहन, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि शेरों की खालों का जो अवैध कारोबार किया जाता है उसके चलते शेरों का शिकार होता है, और ऐसे में सवालिया निशान यही उठता है कि जब 42% जंगल है वहां पर, उसके बावजूद महकमे की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से क्यों नहीं मुस्तैदी से काम किया जाता है, यानी कि शिकार तो हो रहे हैं, इसी वजह से बाघों की तादाद भी घटती जा रही है।